हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर. सो दिस इज हेयर, वी आर हेयर अगेन माय ग्रैंड मदर्स हाउस ऑन पेज नंबर 176. लेट्स डू सम क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस हैज बीन गिवन. इस क्वेश्चन C1, क्वेश्चन C1 ऑन पेज नंबर 176. दिस क्वेश्चन सेज नंबर वन, how does the speaker describe the condition of a grandmother's house? Does it resemble to the house of any of your acquaintance? Question कह रहा है कि किस तरह से जो speaker है, जो लेखिका है या जो कवित्री है, वो किस तरह से बयां कर रही है, बता रही है the condition of a grandmother's house, उसके grandmother के house को जब वो नहीं रहती हैं, जब वो मर जाती हैं और जब वो अपने शादी होकर के कहीं दूर चले जाते हैं और फिर याद करते हैं उस घर को, तो ग्रैंड मदर के हाउस को किस तरह से वर्णन करती हैं. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं. लॉन्ग आंसर्स है. ओके, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ग्रैंड मदर्स हाउस? ओके, द स्पीकर इज सैड. Said to remember the house, remember the house of her grandmother. Okay, the speaker is said to remember the house, said to remember the house of her grandmother. Mother, where once she received love and affection. Where she received love and affection from her grandmother. The speaker is said to remember the house of her grandmother, where once she received love and affection from her grandmother. After the death of her grandma, or simply grandmother, the house is no more in the same condition, in the same condition. और जो house है अब वो उस कंडीशन में नहीं है. स्पीकर इज सैड, वो जो लेखिका है, जो स्पीकर है, वो काफ़ी दुखी है. टू रिमेंबर, या वो याद करके, कि वो उस घर को जिसमें उसकी ग्रैंडमा रहती थी, वो अपने ग्रैंडमा के घर को याद करके बहुत दुखी होती है. वेयर, जहाँ वंस सी रिसीव्ड लव, जहाँ कभी वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था और दुलार मिलता था, फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, किसकी, उसकी ग्रैंड माँ से. आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड माँ के मृत्यु के बाद, द हाउस इज़ नो मोर इन द सेम कंडीशन. फिर उस कंडीशन में, उस हालत में वो घर नहीं थी. है ना, there was a dead silence all around. चारों तरफ बिल्कुल एकदम खामोशी थी, चारों तरफ खामोशी थी. There was a dead silence all around the house. Snake crept
snakes crept into it. Snakes crept into it. The air was quite still. And the atmosphere and the scene was fearful. Okay, तो वही कहता है कि how does the speaker does the condition of the house. तो the speaker is said to remember the house of her grandmother where once she received love and affection from her grandma. After the death of her grandma, the house is no more in the same condition. There was a dead silence and awe all around, and the house around the house, snakes crept into it. The air was quite still and the scene was fearful. But काफी डरावना ऐसा लगता था. अब इसका second part बोला, does it resemble to the house of any of your acquaintance? क्या तुम्हारे किसी जान पहचान के घर में ऐसा कुछ condition है क्या? नहीं, ऐसा कोई condition नहीं है. चलिए अब हम लोग दूसरे question की तरफ चलते हैं दोस्तों. Question number 2, ये आपने देख लिया, अभी बिल्कुल clear है. चलिए हम इसको मिटा देते हैं. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. मिटा दें इसको. चलिए इसको हम लोग मिटा दें. आपने देख लिया इस चीज को. चलिए चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट टाइप ऑफ लव और रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड द स्पीकर. कहते हैं किस तरह का प्यार तुम ग्रैंड मदर और स्पीकर के बीच में देखते हो. द स्पीकर एंड हर ग्रैंड मदर लव each other. Okay, the speaker and her grandmother love each other. In the days of her childhood. In the days of her childhood, what type of love or relation do you find between the grandmother? Now, the speaker and her grandmother love each other. In the days of her childhood, she fully remained dependent. She fully remained dependent on her. On her grandma. Grandma, okay. Okay. So, कहाँ चला गया? ये बोल रहा है क्या बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन डू यू फाइंड द ग्रैंड मदर एंड द स्पीकर. ओके ठीक है. सी द स्पीकर एंड हर ग्रैंड मदर लव इच अदर इन द डेज ऑफ हर चाइल्डहुड शी फुल्ली रिमेन डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड मा. She too
took care of her child. She too took care of her child. And that is the reason, reason of why the speaker is unable to forget that house where she was raised lovingly. Okay, the speaker and her grandmother loved each other in the days of her childhood. She fully remained dependent on her grandma. She too took care of her child, and that is the reason why the speaker is unable to forget that house where she was raised lovingly. Where she was raised lovingly. Okay. She still feels the empty space. She still feels the empty space of love and care, of love and care in the house, in the house of her in-laws. Okay. So second question is completed. कहानी पकड़ में आ गई दोस्तों. चलिए अब तीसरे की बात करते हैं. What changes have taken place since the speaker's grandmother died? बहुत कुछ चेंज हुआ है. हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग देख लेते हैं. ओके. Many things have changed. ऐसे मत लिखिए, ज़्यादा अच्छा है ना. Things have dramatically changed since the grandmother. The grandmother died. Things have diametrically changed since the grandmother died. The house became still and filled with silence and filled with complete silence. Things have dramatically changed since the grandmother died. The house became still and filled with complete silence. पूरी तरह से
and became a place, became a place of insects, snakes and other organisms and other organisms. Okay, कि जब ग्रैंडमा मर गई, चली गई दुनिया से, तो उनके घर का, घर की हालत क्या हो गई? तो बोले things have dramatically changed, कि जो चीजें थीं वो completely उल्टी हो गई, बदल गई, पूरी तरह से बदल गई. Since the grandmother died, जब grandmother चली गई दुनिया से, the house became still, घर बिल्कुल शांत हो गया and filled with complete silence, और पूरी तरह से खामोशी छा गई and became a place of insects, snakes and other organisms. ये दूसरे सांप, कीड़े मकोड़ों का बिल्कुल जगह बन गया. ठीक है दोस्तों, तो यही है कि बहुत कुछ में चेंज आया. What changes have taken place since the speaker's grandmother died? Point out similes in the poem. Okay, तो चलिए हम लोग similes देख लेते हैं. Clear है ये? एकदम बात एकदम clear है. चलिए बहुत अच्छी बात है. अब हम लोग बात करते हैं, जब वो ये तो आपको क्लियर हो गया. अब देखिए हम लोग सिमिलेज की बात करते हैं. सिमिलेज कहते हैं किसे दोस्तों? सिमिलेज, सिमिलैरिटी, सिमिलेज. जैसे मैं कहूँ कि हर हेयर्स आर वाइट लाइक मिल्क, वाइट लाइक मिल्क. ये जो हमने लाइक लगाया कि दूध की तरह उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो ये जो लाइक लगा इसे हम लोग बोलते हैं सिमिले. My brother bats like Tendulkar. Bats like Tendulkar. जो मेरा जो brother है बिल्कुल Tendulkar की तरह batting करता है. तो bats like ये हो गए simile. आपको बात पकड़ में आ गई? तो simile यही है. तो simile यहाँ poem में आप देखिएगा तो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको simile? अगर आप देखिएगा नज़र में तो ये आपको मिल जाएगा. ये देखिए, ये आपको ये बिल्कुल पेज नंबर 175 पे, बिहाइंड माय बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग. मेरे बेडरूम के पीछे बिल्कुल सोचते हुए कुत्ते की तरह ना, वो जो खामोशी है उसी के बारे में बात कर रहा है. तो ये लाइक जो लगा हुआ है ये एक सिमिले की पहचान है. तो चलिए सिमिले आप सीख गए और ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपने कर लिया. ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आंसर्स का भी मामला आपका क्लियर हो गया. किसमें क्लियर हुआ? C1 में. चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों. चलिए अब हम लोग बात करते हैं C2 के बारे में. बात करते हैं C2 इसी में है. आप आगे देखिए C2. लेकिन C2 में क्या है? ग्रुप डिस्कशन है. तो आपको हमें ये लिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है. जब हम लोग ग्रुप में बैठते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स. कहता है कि ये जो निम्न दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ग्रुप में डिस्कस करिए. आप ग्रुप माने समूह में, या दो लोगों के बीच इसको डिस्कस करिए. पहला क्या है? मॉडर्न मेट्रोपोलिस इज ए जंगल ऑफ कंक्रीट. मॉडर्न मेट्रोपोलिस इज ए जंगल ऑफ कंक्रीट. तो मॉडर्न मेट्रोपोलिस जो बिल्कुल आधुनिक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या मेट्रोपोलिस हम बोलते हैं दोस्तों जब कोई बड़ा सा देश या कोई बड़ा सा कोई चीज़ जब छोटी चीज़ पे कब्जा कर लेता है और सारा वह छोटे वाली चीज़ का पूरा कंट्रोल वहाँ से होता है, तो इसको हम बोलेंगे मेट्रोपोलिस. जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अगर एक छोटे छोटे दुकानें हैं, शहरें, छोटे छोटे हाट बाज़ार लगता है, अगर एक बड़ा सा अगर हमारा कोई कहीं अगर शहर है तो वो वहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, तो वो जो बड़ा वाला जो चीज़ है, वो जो बड़ा वाला शहर है, उसको हम बोलेंगे मेट्रोपोलिस. या सिंपली कहें कि जब कोई देश अपना कहीं कोई कॉलोनी बनाता है, उपनिवेश बनाता है, और वहाँ से उसको कंट्रोल करता है, वहाँ की सारी चीज़ों को अपने फ़ायदों को इधर लाता है, तो दैट कंट्री इज कॉल्ड मेट्रोपोलिस.
तो सिंपली आज हम लोग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे हम लोग का हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन, से हमारा दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है ना भाई, बैंगलोर है, सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो इसी को हम लोग मेट्रोपॉलिस मान लेते हैं फिलहाल। तो कहते हैं कि मॉडर्न मेट्रोपॉलिस, आज का जो आधुनिक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है हाँ, इज अ जंगल ऑफ कंक्रीट, एक कंक्रीट का जंगल है। इसको एलेबोरेट कीजिए, डिस्कस कीजिए, ग्रुप डिस्कस कीजिए। तो इसको आप कैसे डिस्कस कीजिएगा, आप सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि जंगल ऑफ कंक्रीट क्या चीज़ है। जंगल माने जंगल, कंक्रीट माने कंक्रीट, कोई सख्त चीज़ का जो बना होता है, कोई चीज़ जब किसी कंक्रीट का, किसी सब्सटेंस का, हार्ड सब्सटेंस का बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। लेकिन जंगल ऑफ कंक्रीट, जंगल ऑफ कंक्रीट अगर हम लोग बात करें, बहस करें, डिस्कशन करें, तो हमारा ध्यान बिल्कुल न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क की तरफ जाता है, यूएसए के न्यूयॉर्क की तरफ, क्योंकि इसी सिटी को, न्यूयॉर्क को जंगल ऑफ कंक्रीट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जंगल ऑफ कंक्रीट? क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है सर, खाली बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, जहाँ देखो एकदम स्काई माउंटिंग बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग, ऐसा लगे बिल्कुल गगनचुंबी आपको इमारतें दिखेंगी, प्लांट्स मिलेंगे ठीक है, बट इमारत ही इमारत, बिल्डिंग ही बिल्डिंग हर जगह आपको नजर आएगी। वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन होगा, वहाँ ग्रीनरी नहीं होगी, वहाँ सेफ नहीं होगा, अनसेफ होगा। तो ऐसे सारे प्लेसेस को हम लोग जो न्यूयॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, यही हमारा है जंगल ऑफ कंक्रीट, या सिंपली कंक्रीट जंगल। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप सिंपली, अब देखो ये जो कंक्रीट जंगल है दोस्तों, जंगल ऑफ कंक्रीट, सबसे पहले इसका यूज़ किया था बॉब क्या मार्ले ने, अपने सॉन्ग में यूज़ किया था जंगल ऑफ कंक्रीट के बारे में। लेकिन जंगल ऑफ कंक्रीट एक किताब भी है, एक बुक है, जिसको लिखा है डेविड कॉमन ने। किसने लिखा? डेविड कॉमन ने लिखा है जंगल ऑफ कंक्रीट। इसी न्यूयॉर्क का भी जिक्र इसी में आता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जंगल ऑफ कंक्रीट है क्या। जब बड़े बड़े शहरों में हम जाते हैं, हर तरफ हमको बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमको दिखाई देते हैं, ग्रीनरी नहीं होती है, छोटे छोटे रोड्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, वहाँ शोर शराबा, नॉइज़, हो हंगामा, ग्रीनरी नहीं होती है, प्लांट्स कम होते हैं, वहाँ लोग अनसेफ फील करते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, सारे बाहर गांव देहात से जितने लोग हैं सारे जाकर वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बस जाते हैं, टेंटा पेपा पूपू होता रहता है। तो इस तरह के जो जो जगह हैं, ऐसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेट्रो क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलिस तो है ही वो, पर उसको बोलते हैं जंगल ऑफ कंक्रीट हम लोग बोलते हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एक अर्बन हो या कोई दूसरा हो, अगर हम इसको सिंपली कहें, जैसे ये बोल रहा है मॉडर्न मेट्रोपोलिस इज ए जंगल ऑफ कंक्रीट, तो वी कैन सिंपली से दैट एन अर्बन और अदर पॉपुलेटेड एरिया कंटेनिंग वॉट, हाई डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग्स, लार्ज बिल्डिंग्स, स्काई किसिंग बिल्डिंग्स इन दैट एरिया कंस्ट्रक्टेड विद कंक्रीट, कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंक्रीट और सिमिलर मटेरियल्स, कंक्रीट से बना हो या कुछ इसी प्रकार के मटेरियल से बना हो, वेयर स्पेशली इट लैक्स ग्रीनरी प्लांट्स, इट इज फिल्ड विद नॉइस ट्रैफिक एंड हार्श एंड अनसेफ प्लेस, दिस इज कॉल्ड कंक्रीट जंगल। कहानी पकड़े भाई? तो आज का जो मॉडर्न मेट्रोपोलिस है, आज के जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, यही तो होते जा रहे हैं ना, लोग बाहर से जा रहे हैं, वहाँ बस रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, प्लांट्स नहीं हैं, ट्रैफिक है, नॉइज़ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, दौरा दौड़ी, भागम भाग, और फिर वहाँ हैवी ट्रैफिक, नॉइज़, और इसके साथ साथ जो हम लोग बात करेंगे, स्पेशली यहाँ जो है यहाँ का जो प्लेस है दोस्तों, ये बिल्कुल अनअट्रैक्टिव हमको फील होता है बहुत बार, और ये बहुत बार अनसेफ लगता है लोगों के रहने के लिए। तो ये पूरा कंक्रीट से बना होता है, कोई ग्रीनरी, कोई सब्ज़ कोई प्लांटेशन हमको यहाँ नज़र नहीं आता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन करने के लिए, शहरीकरण करने के लिए लोग यहाँ से प्लांट्स वगैरह हटा देते हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े कंक्रीट रास्ते बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, ऑफिस होते हैं, नॉइज़ होता है, गाड़ियाँ होती हैं, ट्रैफिक होता है, सब कुछ उसमें
हो जाता है। तो यही चीज़ है सर, जो कहते हैं कि मॉडर्न मेट्रोपोलिस इज ए जंगल ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही है कि आज का जो मॉडर्न जो मेट्रोपोलिस है, मेट्रोपोलिटन सिटी है, आजकल धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, एक एक सख्त मटेरियल का शहर बनता जा रहा है, जहाँ जो अनसेफ है, जो अनअट्रैक्टिव है, जो टोटा टेटू पोपा पेपू ट्रैफिक होता रहता है, जो लोगों के रहने के लिए अच्छा नहीं है। पकड़ में आगे बात, चलिए दूसरे पे चलते बात करते हैं। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, सेकंड में है, कहते हैं कि अपने नेबर को, तुम्हारे नेबर को उतना ही प्यार करो जितना कि तुम खुद को करते हो। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, मतलब मामला क्लियर है, कहता है कि आपका नेबरहुड अगर सही होगा, क्योंकि आप पहचाने जाते हैं आपके पड़ोस से, आपके नेबरहुड से, अगर आपका नेबरहुड अच्छा होगा, एजुकेटेड होगा, शानदार होगा, ग्रीनरी होगी, अच्छे लोग रहेंगे उसमें, एजुकेटेड लोग रहेंगे, तो आपका वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो चाल चलन है, वहाँ का जो रस्म रिवाज है, आप पर भी पड़ेगा, वो उसका असर जो है, उसका जो प्रभाव है, उसका इन्फ्लुएंस है, वो आप पर भी प्रेगा, और इसी के कारण आप अपने नेबरहुड के कारण भी जाने जाओगे। कहने का मतलब है कि जैसे इंसान अपने साथियों से पहचाना जाता है कि उनके साथी कौन कौन हैं, इसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई भी इंसान का जो जो जगह है, जो प्लेस है, वो अपने नेबरहुड से पहचाना जाता है कि उसका नेबरहुड किस तरह का है, कितना शानदार है, कितना बढ़िया है, कितना ग्रीन है, कितने एजुकेटेड लोग वहाँ रहते हैं, कितने सर्विस वाले लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ का जो माहौल है किस तरह का माहौल है, उसी माहौल की वजह से वो जाने जाते हैं। तो वही कहता है कि अगर आपका नेबरहुड अच्छा है तो आप भी अच्छे होंगे। वही कह रहा है कि जितना आप अपने लिए सोचते हैं, अपने नेबरहुड के लिए भी उतना सोचिए। अगर आपका नेबरहुड, आप अच्छे हैं, आप खा पी रहे हैं, आपका नेबरहुड में कोई गरीब है, कोई नहीं खा रहा है, तो उसको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका उत्थान करें, उसको मदद करें, ताकि वो भी आपके समान कैटेगरी में आ जाए। तो भैया दोस्तों, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, जब तक आप अपने नेबर को प्रेम नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपके जो एरिया है, जो इलाका है, उसका उत्थान नहीं हो पाएगा। ये तो डिस्कशन है, ये कहीं आना नहीं है, बस एक चूंकि बुक में आपका दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, मामला क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम आगे की बात कर लेते हैं। सी में, सी थ्री में हमको दिया हुआ है, राइट अ लेटर, सी थ्री में राइट अ लेटर डिस्क्राइबिंग योर नेबरहुड टू योर फ्रेंड इन दिल्ली। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक हमको लेटर लिखना है, अपने किसको लिखना है, हमको लिखना है लेटर अपने C3, ये C3 है ना, हमको लेटर लिखना है, किसको लिखना है, अपने दोस्त को लिखना है, मतलब ये पर्सनल लेटर है। कैसा लेटर है ये? पर्सनल लेटर है, देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा पर्सनल लेटर है, देख लेते हैं हम लोग, C3 पेज नंबर 176 उसका ए बोल रहा है, राइट अ लेटर डिस्क्राइबिंग योर नेबर्स टू योर फ्रेंड्स इन दिल्ली, डू नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, कहता 150 वर्ड्स से आप ज्यादा मत जाइए। तो लिखिए, हम लोग लेटर लिख लेते हैं, तो हम लोग अपने चूचू के दिल्ली में मेरा कोई दोस्त रहता है तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, हम लोग जो जिस प्लेस से लिख रहे हैं, हम पहले वहाँ दे देंगे अपना नाम, जनकपुरी केनी, हम लोग जहाँ से लिख रहे हैं उसका हमने क्या क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट डियर अजय, हम लोग जहाँ से लिख रहे हैं हम लोग वहाँ एड्रेस दे देंगे पहले, उसके बाद हम लोग लिखेंगे है ना, डेट भी हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ डेट भी डाल सकते, बट जरूरी नहीं है, डियर अजय, इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस
that it is a matter of happiness that that where we live, that where is a matter of happiness that इसको डायरेक्टली नहीं थोड़ा सा ऐसे भी लिखिए. इट इज़ अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट यू यू हैव सेफली लैंडेड, यू हैव सेफली लैंडेड इन दिल्ली, इन दिल्ली एंड योर and your preparation is going good, is going fine for the upcoming, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे upcoming examination. ओके, जनकपुरी केनी डेर अजय, इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट यू हैव सेफली लैंडेड इन दिल्ली एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग फाइन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. ओके, यू टू विल बी सरप्राइज्ड, टू नो that the place where we have been living for 6 months. अपकमिंग एग्जामिनेशन यू टू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द प्लेस वेयर वी हैव बीन लिविंग फॉर 6 months इज सराउंडेड बाय wonderful people as my neighbors, okay, the place where we have been living for 6 months is surrounded by wonderful people as my neighbors. They are very helpful, बहुत ही helpful है, very helpful and kind. They are very helpful and kind, kind and stand by the side in the hours of need. Okay, हम अपने इसको लिख रहे हैं दोस्त को, इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, ये बड़ी खुशी की बात है दैट यू हैव सेफली लैंडेड इन दिल्ली, कि तुम दिल्ली में सही तरह से पहुंच गए हो. एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग फाइन, और तुम्हारी जो तैयारी है बिल्कुल सही तरह से चल रही है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. ओके, यू टू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द प्लेस वेयर वी हैव बीन लिविंग, तुमको भी काफ़ी सरप्राइज होगा ये जानकर कि जिस प्लेस में हम लोग रह रहे हैं फॉर 6 months, 6 महीने से रह रहे हैं, इज सराउंडिंग बाय वंडरफुल पीपल, काफ़ी वंडरफुल अच्छे अच्छे लोगों से भरा हुआ है, सराउंडेड है, घिरा हुआ है. एज माई नेबर्स, वो मेरे नेबर्स हैं, दे आर वेरी
helpful and kind and stand by the side in the hours of need. जब जब हमें ज़रूरत होती है वो हमारे साइड में खड़े हो जाते हैं. ओके इसके बाद ओके नेक्स्ट राइट राइट टू अस राइट टू मी हाँ राइट टू मी अबाउट राइट टू मी अबाउट राउट राइट टू मी अबाउट योर सेल्फ इन द नेक्स्ट लेटर इन द नेक्स्ट लेटर योर्स. आप योर्स यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी तो हम यहाँ ही लिख देते हैं योर्स. योर फ्रेंड विजय. ओके ये पूरा कहानी हो गया. हमने शुरू किया था एड्रेस से, फिर हमने डियर अजय लिखा, नाम भी लिख सकते हैं या फिर डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं. हमने पूरा लिखा यहाँ तक, फिर हमने लास्ट में क्या किया, इसको क्लोज कर दिया. राइट टू मी अबाउट योर योर सेल्फ इन द नेक्स्ट लेटर योर फ्रेंड विजय. ओके और यहाँ लिख सकते हैं विद बेस्ट विशेज लिख सकते हैं विद बेस्ट विशेज योर फ्रेंड विजय. तो ये हो गया आपका क्या, आप अपने डेली में रह रहे दोस्त को अपने नेबरहुड के बारे में बता रहे हैं कि आपके आपका जो नेबरहुड है किस तरह के लोगों से घिरा हुआ है. हमने यहाँ अच्छा दिखाया, आप अच्छा नहीं हो तो बुरा भी दिखा सकते हैं, बट नेबरहुड हमेशा अच्छा होना चाहिए. जब तक नेबरहुड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अपने नेबरहुड से आप पहचाने जाते हैं. चलिए दोस्तों ये हो गया C3 का फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में दिया हुआ है दोस्तों राइट द समरी ऑफ द पोएम इन अबाउट 150 वर्ड्स. तो चलिए ये जो समरी है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. समरी आता भी है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं. क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवा दिए, बाकी डी वगैरह में कुछ दिया हुआ नहीं है. और एक्सरसाइज वन जो आपका ग्रामर का पोर्शन है ये मैं आपको करवा चुका हूँ. ये पहले अब ये मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा. ये मामला क्लियर हो गया. अब रही बात समरी की, तो हम अगले वीडियो में आपको इसकी समरी बनाकर दे देंगे. चलिए वीडियो आपको 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 कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चूँकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. बाय. टेक केयर.